चला। मेरे लिए रुको कमलू। मोगली देखो मुझे, मैं उड़ रहा हूँ। अरे एकदम कड़कना, मेरे को तो लगता है कि तू उड़ना सीख गया कमलू। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कमलू तेरी सवारी जाके इधर रही है। मेरे मम्मी पापा से मिलने, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सच में? हाँ, आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। कैसे उड़ रहा था? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा। झूठ मत बोलो मोंगली, अभी कुछ देर पहले ही तो हम दोनों बादलों में उड़ रहे थे। मुझे लग रहा है कि तुम सपना देख रहे थे। ठीक है, सपने में ही सही, लेकिन मैं बहुत ऊँचे उड़ के आसमान को छू रहा था। अरे देखो कमलू, मैंने तुम्हें समझाया था ना बाबा कि उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास तो नहीं है ना मेरे जैसे पंख, तो बाबा तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऊँट कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं सपने में उड़ सकता हूँ तो हकीकत में क्यों नहीं? आपको नारेला भेड़ो, अब इसे ही देख लो, इसके भी पंख नहीं है लेकिन ये भी उड़ रहा है। अरे बाबा ये आ गया। अच्छा भाई लोग दब जाओगे। अरे बाबा क्या कर रहे हैं? अरे बाबा मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे बाबा रुक जा। अरे बाबा ये क्या 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 कर रहा है? अरे बाबा मेरे निकालो मुझे यहाँ, निकालो मुझे यहाँ। कैसे हो मोंगो? देख भाई अपन एक सीक्रेट मिशन पे आए ले, उसका कोड नेम है ओनली, अपन का कोड नेम है विंगमैन। अरे बाबा कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है विंगमैन? अरे बीड़ू तेरे को पता नहीं, तूने ही तो दिया था मेरे को। मैंने दिया था? चल बेटो उठने के लिए तैयार हो जा। घबराने का नहीं रे, मैं तेरे पीठ पे बैठेगा। अरे बाप रे, और लगाने का जरूरत है क्या? नहीं लगता है। क्या बात है कमलू, मेरी बात सुनो। देखो ऐसे नकली पंख लगाकर तुम नहीं उड़ पाओगे। मोंगो कम से कम मेरा सपना सच करने में मेरी मदद तो कर रहा है मोंगली, और मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा। चलो इसे उड़कर दिखाते हैं मोंगो।
अपन टेक ऑफ के लिए तैयार है बेड़ो। लेकिन कमलू, मैं तुम्हें हजार बार कह चुका हूँ, उड़ने के लिए तुम्हारे पास असली पंख नहीं है। बराबर, लेकिन अभी इसके पास है। बेड़ो तैयार हो जा, अब इंजन चालू कर। कमलू, तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे बाबा, मैंने कहा मेरे जैसे पंख चाहिए, पंख पत्तों से बने, झूठ मूठ के नहीं, असली पंख जो शरीर से जुड़े होते हैं, जैसे गधेड़ा मेरे हैं। पंख हो या ना हो, लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगते, बुरे हैं ये, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं। जाने दो, वो तो गए। तुम्हें याद है क्या? मतलब आज के दिन क्या है वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? सबसे न्यारा सबसे प्यारा दिन है मेरी बच्ची का, सबसे खास सबसे न्यारा जन्मदिन है मेरी बच्ची का। पिताजी, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। शुक्रिया पिताजी। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये मैंने खास तुम्हारे जन्मदिन के लिए बनवाया है। हाँ लीला, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी, उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे नवे जन्मदिन पर ये हार मैं तुम्हें तोहफे में दूँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म साल के नवे महीने के नवे दिन हुआ था और आज तुम्हारा नवा जन्मदिन है। ये हार माँ ने बनवाया है? हाँ बेटा, इसका हर एक हीरा उसने अपने हाथों से चुना था, और ये कोई मामूली हार नहीं है, इसमें एक जादुई नीलम जड़ा हुआ है। जादुई? इस हार के जरिए तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होगी। अगर किसी ने इसे चुराने की कोशिश की तो उसे माँ के गुस्से का सामना करना होगा। वाओ, मैं माँ का प्यार महसूस कर सकती हूँ। हेलो प्रिंसेस, केमचो। ओह मोंगली, जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो लीला, जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो लीला, दोस्ती में कभी ना हो दूरी, तुम्हारी इच्छा हो पूरी। शुक्रिया शुक्रिया कमलू, शुक्रिया भोला। जल्दी से नीचे आओ लीला और हमारे साथ खेलो। राजकुमारी, चलो ना एक साथ खेलते हैं। मैं जाऊं पिताजी? जरूर जाओ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो दिल में आए वो करो आज। ओह आई लव यू पिताजी। और तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो बेटा, अब जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ।
रही है। अरे पापा लीला आ रही है। अरे पापा लीला आ रही है। हे दोस्तों, वो देखो लीला आ रही है। शुक्रिया दोस्तों, देखो मेरे पिताजी ने मुझे क्या तोहफा दिया है। वाव, कितना खूबसूरत है। ओहो, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? मुझे माफ कर दो भोला, मेरी अनुमति के बिना इसे कोई नहीं छू सकता। इसमें मेरी माँ की आत्मा बसी हुई है। ओह, तो राजकुमारी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और एक नंबर जबरदस्त जन्मदिन का तोहफा। एक, दो और पूरे तीन। आब्रकदाब्रा, 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 हैप्पी 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 बर्थडे हैप्पी। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 लीला। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। मोंगो, आप उनकी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा गिफ्ट। ओ मोंगो, बहुत बहुत मीठा था। शुक्रिया मेरे दोस्तों। और मेरा जन्मदिन याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो कमलू ने हमें याद दिलाया फिर से। ओह, तुम्हारा शुक्रिया कमलू। अब मैं भी तुम्हारा जन्मदिन याद रखूंगी। अब तुम मुझे तारीख बताओ। अरे गधेड़ा, आपने जन्मदिन पे केक नहीं खाना चाहता है क्या? अरे बता ना, अपने जन्मदिन की तारीख बता। क्या बात है कमलू? तुम हमें बता सकते हो कमलू, हम सब दोस्त हैं। हाँ, एक से भले पांच नहीं आने देंगे किसी पे आज। हाँ, एक से भले पांच नहीं आने देंगे किसी पे आज। तुम हमें जन्मदिन क्यों नहीं बता रहे हो कमलू? क्योंकि मुझे नहीं पता। अरे बाबा मजाक मत करो कमलू, अपना बर्थडे तो सबको याद होता है। सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या तुम भूल गए हो? नहीं, मैं याद नहीं करना चाहता। मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी और पापा युद्ध के लिए चले गए। मुझे कमलू की याद आ रही है। हमारा बेटा बहादुर है, वैसे भी आखिरी युद्ध होगा, उसके बाद हम अपने कमलू के पास होंगे। कमलू बेटा। उनके लौट आने का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बेटा कमलू, तुम्हारे माता पिता बादलों के एक लंबे सफर पर गए हैं। बादलों में? लेकिन वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे। वो इंद्रधनुष पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऊपर वहाँ आसमान में। मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? हम इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते कमलू बेटा। तो क्या हुआ? लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ऐसी जिद मत करो बेटा कमलू, तुम्हारे माता पिता वहाँ से तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है, मैं अकेला उड़कर वहाँ जाऊँगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ये मुमकिन नहीं है बेटा। अगर ये पंछी उड़ सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? अब मुझे भी उड़ना सीखना होगा। तो अब समझे ना,
मेरी मम्मी और मेरे पापा को मुझे मेरा जन्मदिन बताने का मौका मिल ही नहीं पाया। अरे बाबा, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे उड़ना सिखा दो। अरे बस कर, अब रुलाएगा क्या? कोई बात नहीं कमलो, आज से तुम्हारा जन्मदिन मैं अपने साथ ही मनाऊंगी। ओ शुक्रिया लीला, लेकिन मैं अपना जन्मदिन तभी मनाऊंगा जब मैं उड़कर उस इंद्रधनुष पर जाऊंगा और मेरे मम्मी पापा से मिलूंगा। तुम जरूर जाओगी और हम तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा देंगे। जरा सोचो कितना मजा आएगा ना कमलो। पता नहीं वो दिन कब आएगा लीला, लेकिन इस वक्त तो मुझे कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए कमलू? मुझे ढेर सारा पानी पीना है। क्या हम सब मेरे पसंदीदा ठिकाने पर जा सकते हैं? पुराने कुएं के पास? क्यों नहीं, तो चलो दोस्तों पुराने कुएं पर चलते हैं। माफ कीजिए राजकुमारी जी, लेकिन महाराज का आदेश है कि आपको महल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन पिताजी ने कहा था जन्मदिन पर जो हमारे दिल में आए वो हम कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप उस बंदर को रोकिए इससे पहले कि वो भाला चुरा ले। हे, हे, ये बंदर, मेरा भाला दो। ए, रुको, रुको। अरे सुनो, तुम सब पुराने कुएं तक पहुँचो, मैं उस सर फिरे बंदर को लेके आता हूँ। चलो चलो दोस्तों। सरदार, हमें जल्दी खाना खरीदना पड़ेगा। खाना खरीदूं? शेरा कुछ भी खरीदता नहीं है, लूटता है, छीनता है। मुझे जो चाहिए वो मैं लेता हूँ, खाना, कपड़े, पैसा। सही कहा सरदार, हमें जल्द किसी को लूटना होगा, हमारे पैसे खत्म होने वाले हैं। शेरा सब कुछ जानता है। हाँ सेंड्रा, मैं भी उन्हें ही देख रहा हूँ। आखिर इतनी चमकीली चीज क्या हो सकती है? जरूर कोई कीमती नगीना है। सरदार, आपने ये खबर पढ़ी? अखबार में लिखा है जल्द ही दुनिया में पानी की कमी होने वाली है, नदियाँ और तालाब तेजी से सूख रहे हैं, और इसकी वजह है ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ लिखा है कुछ ही दिनों में पानी की इतनी किल्लत होगी कि सिर्फ अमीर लोग ही पानी खरीद पाएंगे। लोग पानी के लिए आपस में लड़ेंगे, सिर्फ पानी की वजह से जंग होगी। ऐसा माहौल हमारे धंधे के लिए बहुत अच्छा है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है माँ, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकती। रुको बेटी मीरा, कुएं का ठंडा पानी पीते ही तुम बेहतर महसूस करने लगोगी। माफ कीजिए बहन जी, कभी कभी मेरा बाज ऐसी शरारत कर जाता है। बकरू नागा, जाओ इसका मटका पानी से भर दो। धन्यवाद हुकुम, ये तो मेरा काम है। चलो मीरा। लेकिन जाने से पहले मेरे 50 रुपये दे दी जाओ। मैं कुछ समझी नहीं हुकुम। तुम नहीं जानती क्या, यहाँ पानी बहुत कम है,
अब ये मुफ्त नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे देने होंगे। लेकिन हुकुम, यहाँ मीलों तक कोई दूसरा कुआं नहीं है। ये कुआं तो आम लोगों के लिए खुदवाया गया है। पानी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी सब जानते हैं कि पानी का पैसा लेना जुर्म है। शेरा आज से इस कुएं का मालिक है। पानी के पैसे चुकाने होंगे या प्यासी मर। पर सरदार, वो सच कह रही है। क्या कहा? मेरा पानी कानून के तहत जो कोई भी सरकारी कुएं के पानी के पैसे वसूलेगा, उस व्यक्ति को सजा में 100 कोड़े पड़ेंगे। दया करे हुकुम, मेरे बेटे को पानी की जरूरत है। शेरा इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी प्यास से तड़प रही है। चलो 50 के बदले तुम सिर्फ 45 दे दो। हुकुम, कृपया हम पर दया कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी ये चेन दे दो। ये नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन अब ये शेरा की हो चुकी है। उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें परेशान मत करो। इस कुएं से इन्हें पानी लेने से तुम कैसे रोक सकते हो? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम गुनहगार हो। तुम इस कुएं के पानी का पैसा कैसे ले सकते हो? ये कुआ आम लोगों के लिए बनाया गया है। ओ, ऐसा क्या? और बच्ची, तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे ये कुआं तुम्हारे परदादा ने खुदवाया हो। सही पहचाना, ये कुआं मेरे महान परदादा जी ने ही खुदवाया था, महाराजा राम सिंह। राजकुमारी नीला, कृपया हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी प्यासी है। तुम हमारे राज्य से अभी इसी वक्त चले जाओ, और यहाँ आने की दोबारा हिम्मत मत करना। मेरा यकीन मानिए राजकुमारी लीला, अब वही होगा जैसा आप चाहेंगी। मुझे माफ कीजिए राजकुमारी जी, आपका नाचीज सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। अब तुम इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। इस बार हमें क्षमा कर दीजिए। और एक बात सुनो, पंछियों को बंदी नहीं बनाते, अपने बाज को अभी आजाद करो। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी, शेरा आज के बाद आपका सेवक बनकर रहेगा। डर तो नहीं लगाना राजकुमारी जी। नागा, बाकरू, चलो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी, भगवान आपको खुश रखे। अरे वाह राजकुमारी, आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया। पर सरदार, आप भाग क्यों आए? वो अकेली लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेती? नागा की बात में दम तो है सरदार। तुम्हें क्या लगा शेरा डर गया?
बता सकते हो वो लोग कहाँ गए होंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? अब तो हमारी मदद सिर्फ मोंगली कर सकता है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। कमलू, अरे आके खोलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कहीं मिली लीला? लीला? अरे बाप रे, उसे क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। गांव में एक खतरनाक लुटेरा आया था, शेरा। वो दिखने में बहुत ही खुखार था और उसने लीला का अपहरण कर लिया है। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा लोचा हुआ ना। मोंगली, अब हमें ही उसे बचाना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा सोचने दो। Come on, follow me. Hey, रुको! तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मोंगली, तुम रुक जाओ। इसी वक्त नीचे मैं पूछता हूँ, क्या लीला तुम्हारी दोस्त नहीं है? इस वक्त उसे उन खतरनाक लुटेरों ने अगवा कर लिया है और यहाँ तुम पंख पर पंख रखकर आराम से बैठे हो। दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। शांत हो जाओ कमलू, हम सब लीला से प्यार करते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे भी कमलू। वहाँ देखो, क्या तुम्हें लुटेरे दिख गए? नहीं, लेकिन वो दिख गया ना बाबा, जिसे मैं ढूंढ रहा था। हम उसके बहुत करीब हैं। अब चलो, चलकर जादूगर जिप्सी से मदद मांगते हैं। मोंगली, स्वागत है मेरे दोस्त। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, कमलू और भोला। तुम दोनों बहुत थके हारे और प्यासे लग रहे हो। लो पानी पियो। पेट भर के खाओ। उम्मीद है लड्डू पसंद आए होंगे। तो अब ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? जादूगर जिप्सी हमारी राजकुमारी लीला को तीन लुच्चा डाकू उठा के ले गया है। हमें उसे बचाना होगा। लेकिन ये तो सैनिकों का काम है। मुझे लगता है तुम राजा के पास जाओ और उसे खबर कर दो। अब मुझे फिर से अपना सफर जारी रखना होगा। लीला हमारी दोस्त है और उसे बचाने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे बचा कर ही रहेंगे। और हम उसे इसी वक्त बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। मुझे लगता है हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो दोस्तों। रुको! शाबाश, शाबाश! अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो। सही सुना। तो अब अपने जादू से मैं तुम्हें रेत के तूफान जितना शक्तिशाली बना दूंगा, ताकि तुम लीला को बचा सको। य
जब तक ये तुम्हारे हाथों में है, इस रस्सी से तुम जो भी कहोगे ये वो करेगी। इसका मतलब मैं जो कहूँगा ये करेगी? बिल्कुल, पर तभी तक जब तक ये रस्सी सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगी। ये तो भूत है। नहीं, ये तो आज्ञाकारी है। बिल्कुल एक प्यारे डॉगी की तरह। शुक्रिया जनाब। और तुम मेरे उड़ने वाले दोस्त, तुम बस किसी भी जानवर के बारे में सोचना और तुम उस जानवर की तरह बन जाओगे। अरे ये कैसे हो सकता है, सिर्फ सोचकर? जैसे कि ये कैसे हो गया रे, मेरा सब कुछ बड़ा हो रहा है। मैं तो अरे बाप रे, शुक्रिया आपने मुझे मेरी औकात दिखाई। तो तुम तैयार हो कमलू? मजाक कर रहे हो? मैं बचपन से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मुझे पंख दीजिए। क्या ये क्या किया आपने? कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो कमलू, मेरा जादू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो तुम्हारा सपना सच करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि आप... कि मैं तुम्हें पंख दे सकता हूँ, जानता हूँ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। सच कहा, पर तुम्हारे पास पहले से वो शक्ति है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारा दिमाग। बस एक बात जरूर याद रखना कमलू, अगर तुम सच्चे दिल से किसी भी चीज की इच्छा करते हो तो मुझे यकीन है वो पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी, तुम्हारा सपना सच होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये क्या हुआ, हम कहाँ हैं? हम जिप्सी से ये पूछना तो भूल ही गए कि लीला को ढूंढना कहाँ है। ओह, उन डाकुओं को अब हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हंटर, मेरे पीछे आओ। ये जरूर उन डाकुओं का अड्डा होगा। उस जिप्सी ने हमें लीला के पास पहुंचा दिया। चलो। महाराज, लीला का कुछ पता चला? मुझे माफ कीजिए महाराज, राजकुमारी को आखिरी बार पुराने कुएं पर अपने दोस्तों के साथ देखा गया था। मैंने तुम्हें तो गंवा दिया, लेकिन मैं लीला को नहीं खो सकता। ऊंट तैयार करो।
अपनी बची हुई जिंदगी हमारी काल कोठरी में बिताओगे। मुझे ये हार दे दो राजकुमारी, फिर तुम घर जा सकती हो। कभी नहीं। और अगर तुमने इसे फिर से छूने की गलती की तो मेरी माँ की आत्मा तुम्हें सूखे पत्ते की तरह जला देगी। शायद ये लड़की सही कह रही है सरदार, मुझे लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ के कानून के मुताबिक किसी का अपहरण करने वाले व्यक्ति को रेगिस्तान की कड़ी धूप में सर के बल 7 दिनों तक उल्टा लटकाया जाएगा। मेरे पिताजी तुम्हें 14 दिन लटकाएंगे। और अगर ये वाकई राजकुमारी है तो वो तुम्हारे सर पर बिच्छू रख देंगे। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं इसी वक्त तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा। कभी नहीं, तुम्हें ये हार कभी नहीं मिलेगा राजकुमारी। चुप रहो। कभी नहीं, कभी नहीं। हमें उन दरिंदों को रोकना होगा इससे पहले कि वो। कमलू रुको, हम सीधे हमला नहीं कर सकते, पहले उन्हें राजकुमारी से दूर करना होगा। लेकिन कैसे? मैं कुछ सोचता हूँ। बहुत हुआ, अब तुम्हारा नाटक। मुझे अपना हार दे दो राजकुमारी, नहीं तो मैं। सुनने का पतक। अरे वाह, अब हम लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये अंडा मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी है राजकुमारी जी? आप कहीं घूमने जा रही हैं क्या? नहीं, रुको। इस तरफ राजकुमारी। राजकुमारी लीला। आ गया, आ गया। लीला, राजकुमारी। भोला, भोला। करुणा, ये किसकी चीख थी? जाओ तुम जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है। बकरू, जाओ देख कर आओ। मैं सरदार। ठीक है।
कोई आ रहा है। नहीं, छी! रस्सी, नीचे आओ। मैंने कहा नीचे आओ। तुम भूल गए उस जादूगर ने क्या कहा था? तुम्हें रस्सी को हाथ में लेना होगा, नहीं तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। क्या? मिल गई। अब रस्सी अपनी गांठ खोल दो। नहीं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सोना सरदार, वो पंछी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? कमलो, तो तुम हो रस्सी, इन्हें कुछ मत करना। अरे वाह वाह, देखो तो राजकुमारी को बचाने कौन आया है। क्या बड़बड़ा रहा है बच्चे? रस्सी, इस बेवकूफ को बांध दो। चलो लीला। कोई भी यहां से कहीं नहीं जाएगा। क्या? शायद ये हमें इसे खोलने को कह रहा है सरदार। ये जादुई रस्सी है ना, मेरे बहुत काम आएगी। इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो। ठीक है। अभी लो सरदार। मुझे मेरे दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करूँ, 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 क्या करूँ? यस। रुको, रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। नहीं नहीं राजकुमारी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दोनों इन दोनों को कहां ले जा रहे हो? सरदार, सरदार, हम इसे तहखाने में लेकर जा रहे थे, जैसा आपने कहा सरदार। ए, वो नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा सरदार। इसकी बातों में मत आओ,
ये काले जादू से बना कोई एक बड़ा छलावा है। छोड़ दो इन्हें बेवकूफों, जैसा कहा वैसा करो वरना तुम्हें बाज को खिला दूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बिच्छुओं से भरे गड्ढे में फेंक दूंगा और मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं तुम्हें रेशमी लजीज कबाब खिलाऊंगा और मोती चूर के लड्डू भी। हमें लड्डू कब मिलेंगे सरदार? चुप रहो बेवकूफों! इस कमीने से मार खाने की कोई जरूरत नहीं, मारो इसे। पर वो तो हमारे सरदार हैं। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरदार ने आपको मारने के लिए कहा था सरदार। शाबाश, फिर से मारो से। अरे बाबा डरो मत, मैं हूँ मोंगली। कर दी उंगली। ये तो पक्षी है, पकड़ो उसे। ये कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन तुम दोनों जाओगे सीधे तहखाने में। अब तुम यहीं रहोगे। हाँ, हमेशा हमेशा की। ये जगह बहुत अजीब है। शेरा उस हार के लिए लीला को मार डालेगा। हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी होगी। हाँ, देखो कमलू, तुम बिल्कुल मत हिलना। लेकिन हमारी लीला का क्या होगा? अब दिखाता हूँ किसका जादू शक्तिशाली है, तुम्हारी माँ का या रस्सी का। रस्सी, मुझे वो हार ला कर दो। मैंने कहा मुझे वो हार ला कर दो। अब तो हमें उसे रोकना ही होगा। कोई फायदा नहीं कमलू, हम नहीं निकल पाएंगे। हम हार नहीं मान सकते, हमें राजकुमारी को बचाना ही होगा। कोई चमत्कार ही बचाएगा। हाँ? हाँ? ओए, लंका को जलाने हनुमान आगे लाए। मोंगो, मोंगो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। फिकर नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत खतरा है। बकरू। पर सरदार, जो बोला करो वरना तुम भी इसके साथ कुएं में जाओगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये तो लीला है, मुझे लगता है उसे कहीं ले जा रहे हैं। जल्दी करो, हमें उसे बचाना होगा। राजकुमारी, रस्सी, राजकुमारी को पकड़ो। लीला, चलो यहाँ से निकलते हैं। रुको, मेरा हाथ।
आपको नारे ला भेड़ो। One, two, one, run! चलो भेड़ो सट। Run! चलो। अब तुम इसे सजा दो। इस पर नजर रखना हंटर। क्या कैसा है बीडू हंटर, तेरा थोबड़ा अच्छा है? अबे मेरी शादी नहीं हुई है बे। अबे बिडू क्यों बिडू को? अबे बहुत पावन है बे। अबे सुनना बिडू हंटर, आप उन बैठ के जरा मांडोली करते ना, क्या बोलता है? अबे महाराज आप आ गए। ये बताओ कि तुम्हारी हालत किसने की? शेरा रेगिस्तान का लुटेरा, राजकुमारी उसके कब्जे में। लीला के, मेरी बेटी के? तुम मुझे उसके पास ले चलो, जल्दी चलो। जी हुजूर। अच्छा हुआ हमें ये प्राचीन मंदिर मिल गया। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे जब तक मदद नहीं पहुँचती। काश मैं उड़ कर जाता, लेकिन मोंगली सही कहता है। लेकिन किस बारे में? ऊँटों के बारे में। मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा। सुनकर बुरा लगा। हम फिर से मिल गए राजकुमारी जी और तुम्हारे प्यारे दोस्तों से भी। नागा बकरू, अब फैसला तुम्हें लेना है, राजकुमारी दोस्त या हार। तुम एक लालची शैतान हो। क्या तुम्हें वो हार इतना प्यारा है कि तुम अपने दोस्तों को मरने दोगी? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कौन ज्यादा लालची है। तुम एक कायर हो जो बच्चों को धमकाता है। तुमने मुझे कायर कहा? रुक जाओ, तुम ये मेरा हार ले सकते हो। एक बार फिर से बोलना राजकुमारी। लेकिन मेरे दोस्तों को पहले जाने दो, मैं ये हार देने को तैयार हूँ। ये हार मुझे दे दो। मुझे माफ करना माँ। नागा ये हार लो। लेकिन इसकी माँ की आत्मा सरदार। नागा लेता हूँ मैं आपकी तरफ से लेता हूँ सरदार। देखो मुझे मिल गया सरदार। तुम्हारा मतलब मुझे मिल गया है? अरे नहीं पापा नहीं, ये मेरे को मिला। वो हार मुझे चाहिए हंटर। देखा था।
कामलू को छोड़ दो। राजकुमारी बोला भागो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है कमलू, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आएगा राजकुमारी। Yeah.
छोड़ दो हमें, मुझे जाने दो। जाने दो हमें। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो हार मुझे दे दो और मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। पुतले की तरह खड़े रहकर हार मत निहारो, जल्दी रस्सी फेंको। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम झूठे मक्कार चोर, इन्हें भी दलदल में फेंक दो। आखिरकार ये मेरा हो गया। क्या कर रहे हो तुम? अब तेरे खोपड़ी में बहुत बड़ा बिच्छू डाल रहा है, इसके जहर से तेरा चमड़ी पिघल जाएगा। बिच्छू निकालो इसे। निकालो, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी को अगवा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। बचाओ बचाओ मुझे, कमलू कमलू। सुन बेड़ो बजरंग बली का नाम लेके जोर लगा। जादू तुम्हारे दिल में छुपा है कमलू, अगर तुम पूरे दिल से कोई सपना देखोगे तो वो सच होगा, यकीनन सच होगा, यकीनन सच होगा। मैं उड़ना चाहता हूँ राजकुमारी की जान बचाने के लिए, मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे उड़ना ही होगा, मुझे उड़ना होगा, मैं अब उड़ने जा रहा हूँ। हाँ कमलू, तुम उड़ सकते हो, कमलू तुम उड़ सकते हो, कमलू तुम उड़ सकते हो। मुझे उड़ना होगा राजकुमारी की जान बचाने के लिए, मुझे अब उड़ना ही होगा। उठ जाओ, उठ जाओ। अरे नहीं लीला, लीला को बचा लिया। अरे कमलू उड़ रहा है। अरे बेड़ो, अपुन जो सिखाया वो आज तेरे काम आ ही गया। पिताजी। लीला,
मेरी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया कमलू, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। ये लो राजकुमारी। भाई लोग एक से भले पांच नहीं आते हैं किसी भी आज। ये क्या है? वाह! ये क्या हो रहा है? जादूगर चुप से। शाबाश कमलू, शाबाश। अब तुम जान गए हो, दुनिया का सारा जादू, दुनिया की सारी शक्ति तुम्हारे दिमाग में है। मैं तुम्हें उड़ा नहीं सका कमलू, क्योंकि तुम्हारे सपनों की मंजिल जहां है वहां तुम्हें खुद जाना होगा। अब तुम जाओ, अपना सफर पूरा करो। ऊपर उड़ो और इंद्रधनुष को छू कर आओ कमलू। जाओ उड़ो और इंद्रधनुष को छुओ कमलू। शुक्रिया कमलू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे कमलू, हमें तुम पर नाज है। आप नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है इन पंखों को पाने के लिए, ताकि मैं उड़ के आपके पास आ सकूं। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं। लेकिन तुम्हारे पंख तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आए, तुम्हारा प्यार लेकर आया है। जन्मदिन की बधाई हो कमलू। क्या? हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, आज तुम्हारा जन्मदिन है। पापा, मम्मी, मेरे कमलू। मेरा सपना सच हो गया, आपका भी सच हो सकता है, बस खुद पर यकीन रखिए। Happy birthday to Camille, we wish all your dreams come true.